हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसी कड़ी में साइबर सिटी के गुरुग्राम में भाजपा के वरिष्ठ नेता जीएल शर्मा ने राजेंद्रा पार्क में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा में रहने वाले मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। जीएल शर्मा ने कहा कि उन्हें अपार स्नेह मिल रहा है जो उन्हें प्रेरणा देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्यालय खोला है। गुरुग्राम विधानसभा में रहने वाले लोग ही उनका परिवार है और अपने परिवार के लिए वह सदा ही खड़े हैं। गुरुग्राम के कूड़ा ग्राम बनने को लेकर जीएल शर्मा ने कहा कि आने वाले 10 से 15 दिनों में गुरुग्राम सफाई के मामले में नंबर वन पर आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले गुरुग्राम में सफाई का जिम्मा इको ग्रीन, जो कि चाइना की कंपनी है, संभाल रही थी, जिसका टेंडर रद्द किया जा चुका है। अब 50 नई गाड़ियां शहर में सफाई के लिए उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं और जल्द ही गुड़गांव की सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। जो प्यार और आशीर्वाद है ये हमको ताकत देता है और गुड़गांव की जनता अपनी बार मन बना चुकी है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं चारों तरफ एक निराम है। मैं तो गुरुग्राम की जनता का, युवा साथियों का, बहन महिलाओं का, अपने व्यापारी वर्ग का, समाज का, 36 बरादरी का धन्यवाद करता हूँ कि वर्षों से जो त्याग तपस्या और निस्वार्थ सेवा भाव से मैंने लोगों के काम किए हैं वो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो परिवार के रूप में खत्म होते हैं मेरे साथ। प्रोग्राम में विभिन्न विभिन्न समस्याओं को लेकर के लोगों को नजदीक में सुख सुविधा मिले, इस नाते से हमें ये कार्यालय खोल रहे हैं और लगभग लगभग हर क्षेत्र में हमारे चार मंडल है, चारों मंडलों में इसी प्रकार से छोटे छोटे क्षेत्र वाइज लोगों को नजदीक में सुविधा मिल जाए काम की या समस्याओं के निराकरण की, इस नाते से कार्यालय खोल रहे हैं। आज इंदिरा पार्क में इस बड़े कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मैं आया हूँ। अगर बात करें कि जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ पर बीजेपी जीती है तो यहाँ पर भी दर्ज होगी जीत? 100% दर्ज होगी, भगवान की ऐसी कृपा रही है, ये माता रानी की, परमात्मा की, माँ सरस्वती विद्या माता का मुझ पर आशीर्वाद प्राप्त है। अभी संगठन ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं वहाँ से सफल होके लौटा हूँ तो यही मैं मानता हूँ कि लोगों का प्यार प्रेम ही है, या लोग मान लेते हैं या कुछ ऐसी भावना परमात्मा में अपने अंदर एक ऐसी कोई शक्ति सभी में है, मुझ में भी दे रखी है कि जहाँ जाऊँ सामर्थ्य के अनुसार काम करके लोगों को खुशी प्रदान करूँ, लोगों को सुख प्रदान करें, लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। इस नाते से भाईचारे के रूप में लोग अपने को लेते हैं और सबके साथ घुल मिल के काम करने का जो आनंद आता है उसी से मुझे प्राप्त होता है। प्रोग्राम में सफाई के लिए अब हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से निर्देश दिए, उनके अंदर अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी का दौरा फिर कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा नेताओं द्वारा खोले जा रहे चुनावी कार्यालय मतदाताओं को कितना रिझा पाएंगे, मतदाताओं की समस्या को कहां तक निपटा पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।